अभी अभी गाइस जिम से आया हूँ, ठीक है, अच्छी खासी बॉडी पम्प्ड अप है। मैं जाऊँगा नहाने एंड निकल जाऊँगा अबू धाबी। तो टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होगे कि ये वाला व्लॉग होने वाला है एतिहाद एयरवेज में। और लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था एमिरेट्स में, आप लोगों की बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हैरी भाई एक बार एतिहाद में भी ट्रैवल करो, एंड काफ़ी सुना है मैंने एतिहाद के बारे में। एनीवे, अगर आप एतिहाद से ट्रैवल करते हो तो आपको अबू धाबी से फ्लाइट लेनी पड़ेगी, दुबई से फ्लाइट नहीं है। तो चाहता तो मैं दुबई से वापस इंडिया जा सकता था, पर कॉन्टेंट इज किंग। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना, 30,000 लाइक इन दिस वीडियो एंड आई एम ट्रैवलिंग इन एतिहाद क्यू सूट, ठीक है ना। इस वाली वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी में, एंड द फ्लाइट इज बोइंग 737 ड्रीम लाइनर। बहुत ही कमाल का एयरक्राफ्ट है। सब टाइटल्स को मैंने डाला है अपने वाली वीडियो में जो आपने लास्ट देखी एमिरेट्स की। चेकआउट टाइम है 12 बजे, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। एनीवे, मैं अपना क्रिएटिन तो जिम ले ही गया था अपने साथ में, तो वर्कआउट करते करते मैंने अपना क्रिएटिन भी ले लिया, काफी जरूरी होता है बाय द वे। रेडी हो चुका हूँ एंड अब टाइम है निकलने का अबू धाबी। लेकिन उसके पहले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मतलब मुझे रीच आउट किया था, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं, चेन्नई के हैं। ट्रैवल करते वक्त भी मैं अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन के क्रिएटिन के बारे में। गाइस, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस इज रियली इनसेन। वर्कआउट करने गया था तो मैंने मतलब एक स्कूप डाल दिया क्रिएटिन अपने साथ ही, एंड ड्यूरिंग द वर्कआउट मैं लेता हूँ। गाइस, होता क्या है ना, हम कितनी भी डाइट मेंटेन कर लें, कितना भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन मसल मास को मेंटेन करना, मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल डाइट से नहीं हो पाता है। तो हाँ, ड्यूरिंग वर्कआउट मैं लेता हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन का क्रिएटिन। इसमें एक्चुअली क्या है ना, 3 ग्राम माइक्रोसाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, जो कि पूरी बॉडी में बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व होता है और मसल्स को मेंटेन रख पाने में, मसल मास को बिल्ड कर पाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें 5 टाइप के फ्लेवर्स हैं, मेरा फेवरेट है मैंगो मार्टिनी, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ये परचेज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ 499 में, यह सिर्फ 499 में आपको 50 सर्विंग्स मिल जाती है। मतलब भाई लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने अपने आप को मेंटेन करो, एंड अगर आप जिम जाते हो एंड अगर वर्कआउट करते हो तो दिस इज समथिंग यू शुड हैव ड्यूरिंग द वर्कआउट। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आप परचेज कर सकते हो बिग मसल न्यूट्रिशन का क्रिएटिन। थोड़ा सा ना मैं बाहर आया हूँ करेंसी निकालने के लिए, वैसे तो मैं आज निकल ही रहा हूँ, बट सोच रहा हूँ अबू धाबी जाऊँगा। बस में ना कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आगे से लेफ्ट है ATM, तो सोच रहा हूँ लग 40 दिरहम निकाल लूँ, 40 AED या 50 AED निकाल लूँगा। पब्लिक मैंने ना लगभग 100 दिरहम्स निकाले हैं, 100 इज द मिनिमम अमाउंट। मैंने कल अपने होटल के पास एक रेस्टोरेंट देखा था, बॉम्बे बसेरा, कल देख के मेरा मन किया कि भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके खाने का है 100%। मैंने मंगाया है पनीर टिक्का मसाला, चपातीस, डाइट कोक, प्रॉपर इंडियन खाना चल रहा है और मतलब रीजनेबल भी है। मुझे मिला 26 दिरहम का और एक रोटी है लगभग 2.5 दिरहम की। ये है हमारे किशन भाई एंड ये है सत्यम भाई, लोग से इतनी बातें हुई ना, एंड दे बोथ आर माय सब्सक्राइबर्स, इनसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बिजनेस की बातें कर रहे हैं। किशन भाई को जानना था कि यूट्यूब कैसा मतलब होता है, कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या क्या कॉन्टेंट क्रिएट करें, क्या ना करें, तो बहुत कुछ बताया है मैंने इनको एंड बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है, इन भाई से भी सीखा है, एंड इज फ्रॉम दिल्ली एंड इज फ्रॉम चेन्नई। ये टैक्सी आ गई है और मैं जा रहा हूँ अल गुबैबा बस स्टेशन जा रहा हूँ मैं एक्चुअली, वहाँ से बस पकड़ के मैं जाऊँगा अबू धाबी। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू किशन भाई। ओके ब्रदर, सी यू, ठीक है, नाइस मीटिंग यू। या सेम सेम, और मूसे वाले के बहुत बड़े फैन हैं तो गाने भी उसी के चल रहे हैं। एमएस धोनी, हाँ, ये एमएसडी के फैन है, इन्होंने टैटू करवाया हुआ है, दिखाओगे टैटू? ये दिखाओ, अरे आ गया, ये देखो MSD बने हुए हैं। हम जा रहे हैं अल गुबैबा जैसा कि मैंने बोला। सो दिस इज द बस स्टेशन, देख के लग ही नहीं रहा, लग रहा है कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, और यहाँ पे AC नॉन AC का कोई सीन नहीं है, सारी बसेस AC ही मिलेंगी। ये बसेस देखो क्या लग्जरी बसेस हैं कसम से। तो अभी कुछ ब्रेक के लिए रुके थे, इतनी तेज सुसु आया था, ऐसे रोक के बैठा हुआ था ना गाइस, लग रहा था कि भाई निकल जाएगा अंदर ही। गनीमत से बस रुक गई, ये कोई विलेज है अबू धाबी के पहले, और बस से मैं यहाँ पे उतर गया हूँ एंड अभी मैं टैक्सी से सीधा एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। एंड ये देखो पूरी सैंड ही सैंड है और हवा चलती है यहाँ बहुत तेज, सैंडी गुंज बहुत उड़ते हैं। तो यहाँ से 22 किलोमीटर है अबू धाबी इंटरनेशनल। बस में आया ना, मतलब वो कार्ड से टैप करना था, एंटर होने से पहले टैपिंग थी, तो टैप ऐप तो मैंने कुछ किया नहीं भाई, मेरे को लगा कैश लगेगा उसमें, किसी ने कैश मांगा भी नहीं उतरने से पहले। मैंने ड्राइवर को बोला सर हाउ मच इट इज़,
ड्राइवर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, यू डिड नॉट टैप द कार्ड. मैंने बोला कार्ड? तो कहते यस. तो वो एक मशीन लगी हुई थी एक्चुअली, तो टैप करके चढ़ना होता है. मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही आ गया और फ्री में आ गया बोल सकते हो. मतलब मैं चाहता नहीं था फ्री में आना, मैं उनको दे भी रहा था कैश. उन्होंने बोला कि नो वी डोंट एक्सेप्ट कैश. थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, ईजी है, कोई टफ नहीं है, और कंडक्टर वगैरह कुछ नहीं होता बस के अंदर. बहुत ही लग्जरी बस थी, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ये जो टर्मिनल देख रहे हो ना, VIP टर्मिनल है. जितने भी VIP प्रेसिडेंट्स हो गए या बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए यहाँ से डिपार्ट करते हैं. तो जो एतिहाद की फ्लाइट चलती हैं वो टर्मिनल 3 से चलती हैं, एंड आई थिंक टर्मिनल 3 यहाँ का बेस्ट है. एतिहाद का जो बेस है दैट इज अबू धाबी. फाइनली आ गया मैं टर्मिनल 3 के सामने. आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ. दिस इज डिपार्चर फॉर इकोनॉमी, दिस इज डिपार्चर फॉर बिजनेस क्लास, दैट इज डिपार्चर फॉर फर्स्ट क्लास. टर्मिनल डेडिकेटेड है एतिहाद की सारी फ्लाइट्स के लिए, तभी आपको यहाँ रश कम दिखेगा. एंड एतिहाद इज ऑल्सो बींग वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस एयरलाइंस इन द वर्ल्ड. मतलब टिकट इसकी महंगी है ऑफ कोर्स. टिकट का प्राइस मैं आपको बैंगलोर पहुँच के बताऊंगा. अभी व्लॉग एंड तक देखना, और अगर यहाँ तक भी देखा तो लाइक ज़रूर करना. याद रखना 30,000 to 40,000 लाइक, एंड आई एम ट्रैवलिंग इन बिजनेस. बिजनेस का टर्मिनल ही अलग है. एंड सीरियसली गाइस, मत यार कोई स्पॉन्सर ही कर दो कसम से, मैं तो चले जाता. हाँ एक और चीज़ बता दूँ, इतिहाद में बिडिंग ऑप्शन है, ठीक है. एमिरेट्स में नहीं है. एमिरेट्स कहता है भाई तुम मुझे पैसे दो ना दो, मैं सस्ते में लेके नहीं जाऊँगा. तो लगभग अराउंड 4 A380s हैं एतिहाद के, 5 A350s हैं. चेक इन हो गया मेरा. द स्टाफ वॉज रियली गुड. मेरी सीट है 31K जो मैंने बुकिंग के टाइम ही परचेज कर ली थी. 900 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगे थे विंडो सीट के लिए, बिकॉज मुझे रिस्क नहीं लेना था. इकोनॉमी में ब्लॉक करना वैसे डिफिकल्ट होता है, और अगर बाई चांस विंडो नहीं मिलती मैं निपट लेता. चेक इन करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एंटर. क्या सिक्योरिटी थी, क्या इमिग्रेशन था. एंटर किया गेट का जो टर्मिनल था, मैंने एंटर किया. एंटर करने के बाद मतलब इमिग्रेशन में ना देयर वाज नो ऑफिसर. होता क्या है कि जस्ट आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है. मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, अंदर गया, वहाँ पे कुछ फुटस्टेप बने हुए थे, वहाँ पे एग्जैक्टली अपना पैर रखा, एक स्क्रीन आ रही थी, वहाँ देखा, आई स्कैन हुई, वेरिफिकेशन डन, पासपोर्ट लिया. एंड सिक्योरिटी में यू वोंट बिलीव, लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं निकलवाया, नथिंग. दिस दी अबू धाबी एयरपोर्ट, मतलब काफ़ी फैंसी एयरपोर्ट है. लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं दुबई आया था, तो मैं कतर एयरवे से ट्रैवल कर रहा था रिटर्न में, एंड आई ट्रैवल फ्रॉम शारजहाँ. तो जैसे ही मैं शारजहाँ आया था गाइज, मतलब मैं एयरपोर्ट देख के हैरान हो गया था. एक तरफ दुबई है जो दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेस है, उसके बाद शारजहाँ एयरपोर्ट देख के लगा कि भाई साहब मैं किधर ही आ गया हूँ, कोई दूसरे कंट्री आ गया हूँ. गेट के पास जा रहा हूँ मैं, गेट है 61, और ये एयरपोर्ट सही में मतलब बहुत बढ़िया है. और हल्का हल्का ना मुझे कतर दोहा जैसा लग रहा है. दोहा का भी एयरपोर्ट कुछ लगभग ऐसा ही था. ये पानी की बॉटल मैं अपने होटल से ले आया था, बिकॉज दुबई में ना पानी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, एंड पानी जो है आपको फ्री मतलब कम ही मिलेगा. बहुत कम जगह ही होंगी जहाँ पे आपको पानी ऐसे नॉर्मली मिल जाएगा, परचेज करना पड़ेगा और एक्सपेंसिव है. तो पानी की बॉटल मैंने पहले ले ली थी अपने होटल से, और अभी मैंने एक वनीला मिल्क शेक लिया है, बहुत ही महंगा है, 28 dirhams का है. 28 dirhams का मतलब कैलकुलेट कर लो into 23. यहाँ पे रेडबुल का प्राइस है 28 dirham, और ये यहाँ पे जिंजर एल है 13 dirhams का. 28 into 23 कर देना. बड़ी मुश्किल से चार्जिंग पॉइंट मिला है. मेरे को लग रहा था कि ये जो सीट्स है ना, इसके बगल में ही मुझे USB पोर्ट वगैरह मिल जाएगा. मुझे लग रहा था कि मैं GoPro भी चार्ज कर दूंगा, फोन भी चार्ज कर लूंगा, तो वो हो नहीं पाया. तो ये है बिजनेस क्लास लाउंज. इंडिया वापस जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल नहीं लगता है, मतलब कोविड ओविड रिपोर्ट अगर आपको लग रहा है ना, तो हाँ ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है. तो पूरे एयरपोर्ट में एक भी चेयर के पास सॉकेट नहीं है. फाइनली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गेट. सो गाइस दैट इज द एयरक्राफ्ट जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं. ये एरोब्रिज तो देखो भाई साहब, कम से कम 200-300 meters का तो एरोब्रिज होगा, एंड आई थिंक वो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए है ऊपर वाला एरोब्रिज, और इकोनॉमी वालों के लिए नीचे वाला है. एंड लास्ट टाइम मैंने ड्रीम लाइनर में ट्रैवल किया था बैंकॉक से मुंबई, जब मैं एयर इंडिया में आया था 737. तो हाँ बढ़िया प्लेन है, काफ़ी कंफर्टेबल है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें. गाइस द बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, एंटर करते हैं एयरक्राफ्ट. मैं आपको ना एक चीज बताना भूल गया कि एतिहाद द नेशनल कैरियर ऑफ UAE. 31K. 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 31K.
The configuration is 333. 31K. 31K. भाई साहब फाइनली बैठ गया हूँ मैं. फर्स्ट लुक ऑफ एतिहाद बोइंग ड्रीम लाइनर इज 10/10. बहुत कुछ है दिखाने को. लेग स्पेस 10/10. अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो उस हिसाब से लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है. दिस इज मैगजीन होल्डर. सीट की क्वालिटी है ना, जो भी इन्होंने क्लॉथ यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, एमिरेट्स का कलर कॉन्ट्रास्ट ना, दैट इज मोर इन अ लाइटर साइड एंड दिस इज मोर इन अ डार्कर साइड. तो जो अभी आपने बिजनेस क्लास देखा एतिहाद का, वो उसमें भी कैबिन्स वगैरह हैं, मतलब A380 जैसे. बट द डिफरेंट पार्ट इज एतिहाद के ड्रीम लाइनर में कैबिन्स हैं बिजनेस में, एमिरेट्स के A380 में हैं, लेकिन एमिरेट्स के 777 में कैबिन्स नहीं हैं. इफ़ यू ट्रैवलिंग इन इकोनॉमी एतिहाद में, तो आपको ये पिलो के साइज़ देखो, मतलब आपने कतर एयरवेज में भी देखे होंगे, ये पिलो का साइज़ बहुत ही बड़ा है कम्पेयर टू कतर एयरवेज. दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपको मिलेगा एतिहाद में. जो इसका IFS है ना, इसमें मतलब IFS में रिमोट भी मिला है, तो एमिरेट्स में तो बिजनेस क्लास में तो ऑफकोर्स मिलता ही, बट इसमें भी ये चीज़ दी हुई है. मतलब आई थिंक नॉर्मली आपको इकोनॉमीज में ये मिल जाता है IFS कंट्रोलर, बट इसका थोड़ा बड़ा है, बहुत तगड़ी क्वालिटी है. एंड आई थिंक IFS रिमोट के ऊपर भी इट्स टच स्क्रीन, ऐसा यूजली नहीं होता है. तो स्क्रीन्स आर ऑफकोर्स, ये तो टच स्क्रीन होती है, बट ये आपको टच स्क्रीन बहुत रेयरली मिलती है. सो भाई साहब ये है वॉशरूम एतिहाद बोइंग ड्रीम लाइनर का, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट भाई, एब्सोल्युटली डिफरेंट. देखो यहाँ पे ना ये ब्लैक और जो व्हाइट का कॉन्सेप्ट दिया है, टैप वगैरह है तो पता ही होगा, सोप डिस्पेंसर, टिश्यू पेपर्स, बिजनेस जैसे यहाँ पे एमिनिटीज वगैरह नहीं दी है, टॉयलेट्रीज वगैरह नहीं दी है. और सबसे डिफरेंट चीज़ यहाँ पे भी पूरा मिरर है, ये आपको इकोनॉमी में कहीं नहीं मिलेगा, बट एतिहाद में मिलेगा. ये हेडफोन वगैरह भी मिल जाता है, क्वालिटी हम देखेंगे बाद में कैसी है कैसी नहीं. ये जो आप IFS का रिमोट देख रहे हो ना, इसमें ही आप DND प्रेस कर सकते हो. DND खैर आई थिंक ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. और अगर आप इतने कॉन्शियस हो DND के, तो आपको बिजनेस में ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है. और पेरेंट लॉक भी है, मतलब अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इसको क्लिक कर सकते हो. ब्लॉक कॉल्स, मतलब एक सीट से दूसरी सीट आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो. ब्राइटनेस जो है, पूरी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल. और हाँ, अगर बात करें हम बड़ी वाली स्क्रीन की, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, इतना बताऊंगा तो लगता है 15-20 मिनट तो ब्लॉग यही निकल जाएगा. आपको ब्रीफ ही समझाता हूँ, एतिहाद के बारे में है इसमें. फूड एंड बेवरेज, मतलब आज जो खाना मिलेगा हमको उसका इन्फॉर्मेशन है. गेम्स है, फ्लाइट पाथ जो कि मैं खोल के रखूँगा, आपको पता ही है मेरा फेवरेट है. मूवीज़ देख सकते हो बहुत सारी, अबू धाबी के बारे में जान सकते हो. और इसका टच जो है 10/10. तो ये रहा पूरा ये फ्लाइट इन्फॉर्मेशन. 27 डिग्री हो रहा है बैंगलोर में, 3 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट है हमारी. इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं कि आपको क्या बताऊँ. लाइव TV भी देख सकते हो. कतर एयरवेज का भी था IFS, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील एतिहाद का IFS इज बेटर. ऑल्सो आपको ये हैंगर भी मिलता है, यहाँ चाहो तो कुछ हैंग कर सकते हो. दिस इज USB पोर्ट. एतिहाद या कतर एयरवेज, मतलब जो एयरलाइंस वर्ल्ड की टॉप हैं, तो इसमें ना मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कुछ कुछ टॉयज़ वगैरह इन लोग पहले दे देते हैं, सो दैट दे डोंट शाउट बिफोर द टेक ऑफ और ड्यूरिंग द टेक ऑफ. सो हाँ, दिस इज समथिंग गुड टू नो. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. जो aircraft है ना, काफी ज़्यादा नया है, और window sheets की जो हालत है, बहुत ही बढ़िया है. दिस इज़ द टेंडर बेल. सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा मुझे, ये जो लाइव TV का फीचर है ना, ये मैंने अभी तक किसी में नहीं देखा. दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स.
टेबल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। जैसे अगर आप कोई ड्रिंक पी रहे हो उसको आप इतना ही खोलना, यहाँ पे ड्रिंक रखो इंजॉय करो, बट अगर खाना भी खा रहे हो तो इसको भी खोल लो। काफी बड़ा टेबल है, क्वालिटी टॉप नॉच, पूरा एयरक्राफ्ट ही नया है गाइस एंड वेल मेंटेन्ड है। जो ब्लैंकेट की क्वालिटी है भाई साहब टॉप नॉच क्वालिटी है, ये खा के आराम से सोने वाला हूँ। तो ट्राई करते हैं, मुझे बहुत जोर के प्यास लगी है, तो देखते हैं कोई क्रू आता है कि नहीं। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगे। Finally, we are entering the Arabian Sea. This was Gulf of Oman and now we are entering the Arabian Sea. चाहो तो कस्टमाइज चीज़ें भी मंगवा सकते हो, वो आपको पहले सर्व हो जाएगा। What do we have in drinks? Food is here finally. ये है वेज मील, मैंने टिकट बुक करते वक्त वेज हिंदू मील बुक की थी। नॉन वेज में बिरयानी भी है, लैम भी है, बहुत सारे 3-4 टाइप के ऑप्शन हैं नॉन वेज में। ये वेज मील है, साथ में मैंने ली है ये वाइन के साथ आपको शैम्पेन भी मिल जाएगी। एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी मुझे एतिहाद के बारे में कि मैंने उनको बोला कि मतलब इसको थोड़ा सा और फिल कर दो तो बेटर रहेगा, बिकॉज ये वाइन के नाम पे इन्होंने 2-4 गुट दिए हैं, तो ये थोड़ी गलत चीज़ है। प्रेजेंटेशन कुड हैव बीन बेटर, बहुत ही एवरेज प्रेजेंटेशन है। कह रही थी कि वाइन आप चाहो तो एक्स्ट्रा मंगा सकते हो, बट मैं बार बार क्यों बुलाऊंगा किसी को, इट्स बेटर कि आप थोड़ा ग्लास इसको भर ही देते। तो गुड थिंग इज ट्रे टेबल बड़ा है, सारी चीजें फिट हो जाएंगी। ये थी है पानी की बॉटल, और ये पानी की बॉटल की जो कंपनी है अल आईन, ठंडा पानी है ये। आई थिंक दिस इज डेजर्ट, और डेजर्ट में गुलाब जामुन मुझे दिख रहा है साफ साफ, कोई हलवा है, नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, काफी डिलीशियस दिख रहा है, फ्रेश भी है। दिस इज सैलेड, अलग अलग टाइप के वेजीज हैं, इसको टेस्ट करूंगा एंड देन आई विल टेल यू। हालांकि मैं सैलेड नहीं खाता हूँ। दिस इज सम ब्रेड, इस ब्रेड को आई थिंक ये बटर के साथ खाऊंगा, नॉट श्योर, ब्रेड भी मिली है। तो ये रहा हमारा डिनर, एक एक करके टेस्ट करते हैं। दिखने में काफी ओकेश लग रहा है, नॉट श्योर, ट्राई करते हैं। पहले ट्राई करते हैं ये दाल, वैसे मैं पहले कभी ट्राई नहीं करता। ये है तो दाल, बट दाल जैसी दिख नहीं रही, कुछ अलग ही चीज दिख रही है, बट एनीवे ट्राई करते हैं दाल, देखते हैं कैसी है। आई पर्सनली थिंक ये दाल और सांभर के बीच का कुछ है। आई थिंक दाल बनाते बनाते ये लोग कन्फ्यूज हो गए मतलब गलती से सांभर बना दिया, बट बनाना चाहते थे दाल, बट टेस्ट अच्छा है, नो डाउट। आई वुड गिव अराउंड 7.5/10, बहुत ही कम क्वांटिटी है, और जो बनाना चाहते थे वो बना नहीं पाए, कुछ ज़्यादा ही थिक है, थोड़ी सी ढीली हो सकती थी, 7.5/10। अब ट्राई करता हूँ ये, आई थिंक ये पालक मिक्स वेज है, ट्राई करता हूँ इसको एक बार राइस के साथ, देखते हैं। तो ये शाही पालक वेजी है, मतलब काफ़ी टेस्टी है, हल्की सी स्वीट है, और इसमें मलाई वगैरह भी डली हुई है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रॉयल लग रही है। इसको आई कैन गिव अराउंड 9, बट ये 7.5 है। राइस भी काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब लगे हाथ में डेजर्ट टेस्ट कर ही देता हूँ, बिकॉज बाद में गए जब मैं खाना शुरू करूँगा तो शायद रुकूँ ना, टेस्ट करता हूँ डेजर्ट, देखता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये थोड़ी थोड़ी मुझे रबड़ी जैसी लग रही है, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग, 10/10। तो डेजर्ट जो मैंने कतर एयरवेज में खाई थी वो भी 10/10 थी। फॉर सम रीजन गाइस फ्लाइट्स में डेजर्ट बहुत ही अच्छी आती हैं, अमेजिंग। और ये गुलाब जामुन है, आई एम श्योर बाद में तोड़ूंगा, भाई इधर उधर गिर गया तो हाँ, कैमरा मेरे हाथ में, देखते हैं किस चीज का सैलेड है। तो इस सैलेड में टोमेटोज हैं, स्प्राउट्स हैं, कैरेट है, 2-3 बीन्स और होंगी, नॉट बैड, इट इज गुड, ये अच्छा है। 9/10 रबड़ी, 10/10 दिस इज 7.5, दिस इज अराउंड 9, तो हाँ दिस इज द ओवरऑल डिनर। और ये ब्रेड भी दिए जो कि मैं बटर के साथ खा लूँगा। वाइन इज क्वाइट गुड, जब मैंने एयर इंडिया में ट्रैवल किया था तो भाई पूरी बॉटल दे दी थी वाइन की, बैंकॉक से मुंबई, यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं। खाना खाते खाते मैंने ले ली है एक और बार स्पार्कलिंग वाइन, के पास व्हाइट वाइन भी थी, रेड वाइन भी थी, बट आई थिंक वाइन को तो गाइस ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में सर्व करते हैं, तो दैट वुड हैव बीन बेटर। ऐसा लग रहा है कि मैं चाय कॉफी पी रहा हूँ। ट्राई करते हैं ये एयरफोन्स की पैकिंग, काफी बढ़िया तरीके से की है, नो डाउट। ये एयरफोन्स लुक एंड फील में काफ़ी बढ़िया है, और टॉकिंग अबाउट द ऑथेंटिक कॉन्ट्रास्ट ऑफ एतिहाद, तो ये गोल्डन ब्लैक कॉन्ट्रास्ट है पूरी एयरलाइन का, इवन बिजनेस क्लास एंड इवन वॉशरूम तक गोल्ड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, तो आई लव दिस कॉम्बिनेशन पर्सनली। ये सिंगल पिन नहीं डबल पिन होता है,
आपको लगेगा आपने कुछ सॉकेट में 3 पिनर डाला है, शेप 3 पिनर जैसा है। क्वालिटी आई वुड से कि कतर से बेटर है। Finally back to India and what a ride it was. Except few things, everything was exceptional. सबसे आखिरी में निकल रहा हूँ मैं। अब मुझे पता है इमिग्रेशन पे बहुत लंबी लाइन लगेगी। फीलिंग बताता हूँ आपको। प्लेन से उतरने के बाद भी ना 1 घंटे का पूरा लफड़ा रहता है, 1 घंटे का। और जो बैग होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं कस्टम्स के लिए। अब निकलने में 1 घंटा लगेगा। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद। माई सूटकेस इज हियर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इंटरनेशनल मतलब बाहर से आओगे ना इंडिया वापस, अगर आप इमिग्रेशन में रहोगे तो अगर इमिग्रेशन ऑफिसर फ्री है, मतलब अगर लाइन नहीं है इमिग्रेशन में, तब तो समझो कि आपकी बहुत इंक्वायरी होगी। दुनिया भर के सवाल पूछेगा, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो, साइन करके दो, यहाँ देखो वहाँ देखो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे साथ एक फॉरेनर थी, मेरी एक फ्रेंड बन गई वो लास्ट टाइम जब मैं मालदीव से आ रहा था। तो बताती है कि उसको तो इतना पूछा था उन्होंने, मतलब उसका वर्क आईडी तक ले लिया, वर्क मेल आईडी भी ले लिया। और अगर लाइन लगी है, बहुत लोग हैं इमिग्रेशन में और टाइम नहीं है, तो समझो भाई आप इमिग्रेशन क्लियर कर गए बिना कुछ बोले। तो मैंने कैब बुक कर ली और आपको पता है बैंगलोर में कैब का क्या हाल है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा दुबई से बहुत सस्ती है। एटलीस्ट 30 किलोमीटर के 1000 रुपये लेते हैं, दुबई में तो 10 किलोमीटर के 1000 रुपये लेते हैं। अब यहाँ पे आके लगता है कि भाई यहीं पे ठीक है। तो गाइज मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था, ये मेरा सेकंड डे है। अब आप लोग जानना चाहोगे कि मैंने जो टिकट है एतिहाद की कितने में ली। तो ये टिकट थी लगभग अराउंड 14,000 रुपीज की, 1 वे फ्रॉम अबू धाबी टू बैंगलोर। आई नो काफी एक्सपेंसिव है। आई वुड सजेस्ट यू कि अबू धाबी से अगर आपको ट्रैवल करना है तो यू कैन ट्रैवल फ्रॉम अबू धाबी टू मुंबई, आपको आधे प्राइस में मिल जाएगी। एंड बोइंग ड्रीम लाइनर ही मिल जाएगा आपको हाफ प्राइस में, तो दैट वुड बी बेटर। 14,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। एंड मेरा कुछ काम था यहाँ पे एंड मैं अभी आगे निकल रहा हूँ और बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। पूरी दुबई सीरीज में बहुत मेहनत लग गई है, फिर से जाऊँगा। प्लीज़ मेक श्योर गाइज आपने वीडियो लाइक किया हो, 30,000 लाइक्स आई होप हम कर पाएँ। आई डोंट नो कर पाएंगे कि नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। जितना हो सके इस ब्लॉग को शेयर करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड आई कैन मेक मोर सच कॉन्टेंट फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आप चाहो तो वहाँ पे मैं स्टोरीज लगातार डाल रहा था, मतलब अच्छे से कनेक्टेड रह पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।